What's up everybody and welcome back to the vlog. और आज हम बहुत ही एक तगड़ा चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं. यूजुअली मुझे क्या वर्कआउट करना है मैं वो पहले से सोच के रखता हूँ, ठीक है. जैसे कि मुझे आज चेस्ट लगाना है तो मैं ये कल से सोच के रखता हूँ कि मुझे चेस्ट लगाना है और इसके क्या क्या एक्सरसाइजेस लगाने हैं. अगर आप जिम में घुसने के बाद सोचते हो कि आपको क्या वर्कआउट करना है आज और इसके क्या क्या एक्सरसाइज लगाने हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो कि आपने क्या वर्कआउट करना है और इसमें कितनी इंटेंसिटी आपने देनी है और कितनी इंटेंसिटी की वर्कआउट ये है. तो अगर आप मंडे को जो वर्कआउट करना चाहते हो उसे संडे से सोच के रखो ताकि आप अपने मेंटेलिटी को प्रिपेयर कर सको कि हाँ मैं इसमें अपना 100 अपना 200% दे सकूं और मैंने पिछली बार जितना वेट उठाया था उसको बीट कर सकूं. तो फिलहाल अभी हम पहले थोड़ा सा मोबिलिटी वर्कआउट करेंगे बिकॉज ठंड के दिन आ गए हैं, बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होती है. तो मोबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा काम देती है मेरे थ्रू आउट डे में. जैसे लोगों का दिन चाय से शुरू होता है वैसे मेरा दिन मोबिलिटी एक्सरसाइज से शुरू होता है. और अगर आप भी चाहो तो आप भी मोबिलिटी वर्कआउट को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो. आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे. आप खुद देखोगे कि अगर आप डेली मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करोगे सुबह तो आपका दिन कैसे अपने आप फ्लेक्सिबली पास हो जाएगा और आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करोगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो आपको करना क्या है, हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहला एक्सरसाइज हमें सिर्फ इस पोजीशन में बैठ जाना है. सी लाइक दिस. सो इससे क्या होता है कि हमारे जो लोअर बॉडी होती है, ठीक है, जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, हमारे एंकल्स होते हैं एंड हमारे हिप्स के जॉइंट्स होते हैं, वो फ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है लोगों के, वो फ्लेक्स हो जाते हैं. तो आप इसको कर सकते हो, इसके 2 से 3 सेट कर सकते हो और 2 मिनट्स के लिए बैठ सकते हो, ठीक है. सो मोबिलिटी वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और फिर हम प्री वर्कआउट मील लेंगे और फिर हम चलेंगे जिम में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का हमारा चेस्ट वर्कआउट क्या है. मैं आप लोगों को भी एक मोबिलिटी एक्सरसाइज सिखाता हूं. इट इज नोन एज द पीजियन स्ट्रेच, ठीक है. इमेजिन योरसेल्फ एज अ एनिमल, ओके. तो सबसे पहले आप एक पुशअप पोजीशन पे आ जाओगे लाइक दिस, ठीक है. एंड देन कोई भी पैर को, सबसे पहले अगर आपको पहले राइट पैर चॉइस है तो राइट को लाओ, लेफ्ट को चॉइस है तो लेफ्ट को लाओ, ठीक है. पैर को इस पोजिशन में लाए एंड देन स्ट्रेच, पीछे वाला पैर पूरा स्ट्रेच करोगे एंड देन बोथ हैंड्स को पीछे ले जाओगे. सी एंड देन होल्ड इट हियर और फिर अपने चिन को नीचे टच करना है. सी दिस इज द पीजियन स्ट्रेच, ठीक है. ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये बहुत ही अच्छी मोबिलिटी एक्सरसाइज है. आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है सिर्फ इसी एक एक्सरसाइज से. सो लेट्स डू इट. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, टन 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 टन. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, टन 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 टन.
अब लेंगे हमारा प्री वर्कआउट मील, इसमें हम लेंगे 4 ब्रेड, 1 बनाना, एलमंड्स एंड कैश्यूज, ठीक है, गिर गया एक नीचे, 10 एलमंड्स 10 कैश्यूज और पीनट बटर। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअल में पीनट बटर कैसा दिखता है, मैं उनको सबसे पहले दिखा देता हूं। सी दिस इज द एक्चुअल पीनट बटर जिसमें ये तेल लहरता है ना, रुक जाओ मैं दिखाता हूं आपको। सी दिस, दिस इज द ऑयल, जब वो पीनट्स को क्रश किया जाता है उसमें से जो ऑयल निकलता है वो यहां पे ऊपर लहर रही होती है। दिस इज द एक्चुअल पीनट बटर। और अगर आप वो वाला पीनट बटर खाते हो जो एकदम ऐसे एकदम गोला जैसा हो गया होता है, सख्त एकदम आटे की तरह, तो वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और जो बनाता है उसको भी नहीं पता कि वो क्या बना रहा है, और आपको भी नहीं पता कि आप क्या खा रहे हो। वो आप पीनट बटर खा रहे हो कि पीनट बटर के नाम में धोखा खा रहे हो, वो आपको ही पता है। तो अगर आप वो वाला पीनट बटर कंज्यूम करते हो जो एकदम सख्त एकदम आलू की बोरी की तरह होता है, तो उसको खाना बंद करो और आज से चेंज करो। शॉप में जाओ, अच्छे से देखो, ठीक है, पूछताछ करो, एंड देन एक अच्छी कंपनी का पीनट बटर लो हु प्रोवाइड्स द नेचुरल पीनट बटर। तो फटाफट से खत्म करेंगे प्री वर्कआउट मील में, सॉरी फटाफट से खत्म करेंगे इस प्री वर्कआउट मील को और फिर चलेंगे हमारा चेस्ट वर्कआउट करने। तो हम पहुंच गए हमारे जिम, ये रहा हमारा जिम 91 क्रॉसफिट सेक्टर 18 कोटक महिंद्रा बैंक के साइड में। और अगर आप इस जिम में कभी आते हो तो मुझसे मिल के जरूर जाना, मुझसे बिना मिला मत चले जाना, ठीक है। तो अब मैं अपना कार्डियो वर्कआउट कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं डेली अपने वर्कआउट से पहले कार्डियो ज़रूर करता हूँ। बहुत से लोग वर्कआउट के बाद कार्डियो करना प्रेफर करते हैं, बट मैं पर्सनली कार्डियो अपने वर्कआउट के पहले करना प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट्स कंफर्टेबल फॉर मी। सो एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या कंफर्ट लगता है, आपको क्या सही लगता है। आपको पहले करना है तो पहले करो, आपको बाद में करना है तो बाद में करो। तो अब हमारा कार्डियो कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे हमारी चेस्ट वर्कआउट। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी इनक्लाइन डंबल प्रेस और उसके बाद वर्कआउट क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वर्कआउट। दिस कुड बी गुड फॉर मी, लेटली आई वाज फीलिंग लाइक आई नीड अ पर्पस, बट व्हेन यू टॉक टू मी गिव मी द इंप्रेशन दैट आई वोंट स्क्रैच योर सरफेस। For days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? I'm
अब हम हमारा चेस्ट वर्कआउट एंड करेंगे विथ पुशअप मैट्रिक्स। पुशअप मैट्रिक्स क्या होता है एक्चुअली, इसमें आपको कोई भी चार वेरिएशंस चूज करने होते हैं पुशअप के, कोई भी चार आपके चॉइस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा क्लैप पुशअप, वाइड ग्रिप पुशअप, क्लोज ग्रिप पुशअप और रेगुलर पुशअप। अब आपको चूज करने के बाद क्या करना है, हर एक वेरिएशन के 5 रेप लगाने, यानी कि फर्स्ट वेरिएशन के 5, सेकंड के 5, थर्ड के 5 और फोर्थ के 5, विदाउट एनी रेस्ट आपको हर एक वेरिएशन के 5 रेप्स लगाने, ठीक है। और ये होगा आपका 1 सेट, तो इसके हम लगाएंगे 3 सेट्स। सो लेट्स गो फॉर इट। जिम से वापस आ चुके हैं और अभी हम घर पे चल रहे हैं, और मैंने एंड में जो आपको पुशअप मैट्रिक्स दिखाया अपने चेस्ट वर्कआउट के बाद, वो आप एक बार ट्राई जरूर करना। मैं उसको हमेशा करता हूँ, मतलब यानी कि जब भी मैं अपना चेस्ट वर्कआउट करता हूँ मैं पुशअप मैट्रिक्स से ही अपना चेस्ट वर्कआउट एंड करता हूँ। मुझे उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि पुशअप्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप उसे ट्राई करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा फील हुआ, आपको क्या बेनिफिट्स मिले। आज नहीं, कल नहीं, जब बेनिफिट्स मिले तब बता देना, लेकिन बताना ज़रूर। तो सबसे पहले मैं ये हल्दी वाला दूध पीऊँगा, मेरी मम्मी ने बनाया, डेली पीता हूँ मैं इसको, कभी जिम के बाद पीता हूँ तो कभी सुबह पी लेता हूँ तो कभी रात को सोने से पहले पी लेता हूँ। अगर आप ये नहीं पीते हो तो पीना चालू करो, वैसे भी ठंड के दिन आ गए हैं और सर्दी से बचे रहोगे, बिकॉज इट्स लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स और ये आपको कैंसर से भी बचाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हार्ट डिजीजेस and it also improves your brain function, और कभी कभार it also improves your mood, right? Yes, it's a fact, सच में it also improves your mood. So अगर आप नहीं पीते हो हल्दी वाला दूध तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि पीना शुरू करो। और अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो, thank you so much, और अगर आपको ये vlog अच्छा लगा तो please इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। तो मैं इस हल्दी वाले दूध को कंप्लीट करूंगा और फिर शावर लेने जाऊंगा एंड देन अपना लंच करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना एंड वी आर द बीस्ट।